नमस्कार दोस्तों, अशोक मिश्रा आइडियाज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही बढ़िया आइडिया और आपको बताने जा रहे हैं एक बहुत बढ़िया टिप्स। म्यूचुअल फंड में बैंकों को मिल रहा है कड़ी टक्कर और शानदार रिटर्न ने इक्विटी की ओर खींचा है निवेशकों का पैसा। अब बैंक सारे घबरा गए हैं कि सारे लोग पैसे म्यूचुअल फंड में क्यों लगा रहे हैं। हम आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताएंगे क्यों लोग म्यूचुअल फंड की ओर ज्यादा भाग रहे हैं और बैंक में पैसा नहीं रख रहे हैं और सारा पैसा अधिक ज्यादा पैसा अलग अलग म्यूचुअल फंड में लगा रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों और चालू वर्ष खातों की ब्याज की दरों में कमी आई है, इसलिए खुदरा जमाकर्ता यानी फुटकर में जमाकर्ता इक्विटी बाजार की ओर रुख कर रहा है। म्यूचुअल फंड एसेट अंडर मैनेजमेंट AUM लगातार वृद्धि हो रही है। जी हाँ, आप सुनकर खुश हुए होंगे, म्यूचुअल फंड में लगातार वृद्धि हो रही है। और कैसी वृद्धि हो रही है, किस तरह वृद्धि हो रही है, हम आपको बता रहे हैं। आप वीडियो को बिना स्किप करें पूरी वीडियो देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आपको। इस वीडियो की हाइलाइट्स क्या है हम बताना चाहते हैं आपको। फिक्स डिपॉजिट में निवेश करने वाले निवेशकों के व्यवहार में आ रहा है बदलाव। ज्यादा रिटर्न और इक्विटी मार्केट में निवेश आसान होने से निवेशकों का रुख बदल रहा है। निवेशकों का इक्विटी बाजार की ओर रुझान आगे भी जारी रह सकता है, ऐसा जो फाइनेंस एडवाइजर हैं या वित्तीय विशेषज्ञ हैं उन्होंने ऐसा बताया है। म्यूचुअल फंड में अब बैंकों को तगड़ी टक्कर मिल रही है। पहले निवेश के लिए जहां लोग बैंक FD सेविंग अकाउंट की को तवज्जो देते थे यानी प्रायोरिटी देते थे, अब वही लोग रुझान म्यूचुअल फंड की ओर हो रहा है। यही कारण है कि म्यूचुअल फंड्स का एसेट अंडर मैनेजमेंट लगातार बढ़ रहा है। ज्यादा रिटर्न पाने के लिए लोग ज्यादा लोग म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं। लाइव मिंट की रिपोर्ट के अनुसार लाइव मिंट रिपोर्ट होती है, उसके अनुसार बैंक ऑफ बड़ौदा के एक शोध में सामने आया है कि फिक्स डिपॉजिट में निवेश करने वाले निवेशकों के व्यवहार में आ रहा है बदलाव। अब वे निवेश के लिए इक्विटी फंड का रुख कर रहे हैं। वित्त वर्ष 2016 की शुरुआत में से सितंबर 2022 तक बैंक में जमा 77 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। बैंक FD अब भी बैंक में पैसा जमा कराने का सबसे पसंदीदा टूल है और अवधि से में FD में निवेश 66 लाख करोड़ बढ़ा रहा है। ये आपको बता रहे हैं हम FD और म्यूचुअल फंड में बढ़ रहा है AMU। अब AMU क्या है आप ध्यान से समझिएगा। इस अवधि में म्यूचुअल फंड एसेट अंडर मैनेजमेंट है में 226.1 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। इक्विटी फंडों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है और 10.8 लाख करोड़ की रुपए इनमें बढ़े हैं। वहीं डेट फंडों में 4.8 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। हाइब्रिड और अन्य योजनाओं में AMU को भी बढ़ा है। अब लोगों का FD और बैंक के अलावा क्यों रुझान बढ़ रहा है हम आपको बताते हैं। इसलिए बढ़ रहा है रुझान, पिछले कुछ वर्षों में चालू और बचत खातों के ब्याज दरों में कमी आई है, इसलिए यानी फुटकर खुदरा जिसे बोलते हैं जमाकर्ता इक्विटी बाजार की ओर रुख बढ़ा रहे हैं। यह कहना है कंसल्टिंग फर्म प्रोडिट इंडिया में वित्तीय सेवाओं में प्रबंध निदेशक दीपेश दोषी का। उनका कहना है कि निवेशकों का इक्विटी की ओर बाजार की ओर रुझान बढ़ रहा है और भी आगे जारी रह सकता है। फिनटेक ने निवेश प्रक्रिया को काफी सरल बना दिया है। यह खुदरा निवेशक इक्विटी बाजार में की ओर ज्यादा आकर्षित होता है। बाजार में निवेश अब कम जानकर निवेशकों को के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें काम नहीं आ रही हैं। यानी आपको अगर म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने हैं तो आपको ज्यादा कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। वो आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताएंगे और जब भी आप म्यूचुअल फंड में पैसे लगाएं तो तुरंत के लिए ना लगाएं, कुछ समय के लिए टाइम टेकिंग समय लें, जिसमें टाइम टेकिंग लें और जिससे उस टाइम के पूरे हो जाने के बाद ही
आप उन पैसों को निकालें, जैसे आप कम से कम म्यूचुअल फंड में पैसा जो लगाएं वो 10 साल के लिए लगाएं, 15 साल के लिए लगाएं, 20 साल के लिए लगाएं। इससे क्या होगा, अपनी उम्र के अनुसार लगाएं। आप कई रिटायरमेंट SIP भी ले सकते हैं कि आपको इतने इतने रुपए महीने जमा करना है, आप अपने FD और खुदरा बैंक मूल ब्याज दर से जोड़ लीजिए और म्यूचुअल फंड से जोड़ लीजिए। एक जो प्रेजेंट एक बच्चा लाभ रेशियो, उससे कहीं लाख गुना म्यूचुअल फंड का रेशियो बढ़िया दिखेगा। पर म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले आप बाजार को अच्छी तरह समझें, ये आपकी खुद की जोखिम होती है कि आप म्यूचुअल फंड में किस तरह निवेश करते हैं। कोटक महिंद्रा के समूह के अध्यक्ष और उपभोक्ता बैंकिंग प्रमुख विराट दीवान जी ने कहा है कि बचत पर जमा दर लिक्विड फंड रिटर्न के बीच अंतर बढ़ता जा रहा है, इसी कारण बल्क डिपॉजिट लिक्विड फंड की ओर चले गए हैं। दीवान जी ने 22 अक्टूबर को बताया कि हालांकि बैंक ने ग्रेनुअल सेविंग डिपॉजिट बैंक में अच्छी वृद्धि की है, इसमें सेविंग फ्रेंचाइजी की कोर स्ट्रेंथ को का पता चलता है। इसीलिए मेरा कहना है आपसे, आप भी जब भी आप अपना म्यूचुअल फंड में निवेश करें, उससे पहले आप अपने फाइनेंस एडवाइजर और बाजार को समझें, और म्यूचुअल फंड में निवेश करना ये आपकी रिस्क के आधार पर डिपेंड करेगा। आप किसी के लिए इसे दोषी नहीं कर सकते हैं, पर मैं जरूर कहता हूं म्यूचुअल फंड में जरूर निवेश करिए और इसे एक लॉन्ग टाइम के लिए निवेश करिए, जिससे आपको अच्छा सा रिटर्न मिल सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप मेरे चैनल को, अशोक मिश्रा आइडियाज चैनल है, उसको सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करिए और मेरे आइडियाज लोगों को बताइए, जिससे सभी लोग को लाभ मिले। मिलते हैं नए आइडियाज में। नमस्कार।